तरह से आप हमेशा आप खुद देखा होगा इसमें असेंबली में भी हो अभी बाहर में, अपना दही साहब ने भी बोला है कि डॉक्टर्स का कमी है, नर्सेस का कमी है, ये है कमी है मानता हूँ मैं, तो लेकिन उसको गैप को फिलअप करने के लिए हमें जहाँ डॉक्टर ज़्यादा है वहाँ से हमको थोड़ा निकाल के जहाँ दूर दराज का जगह में हमको डॉक्टर्स को प्लेसमेंट करना है। और उसके लिए मैं डॉक्टर लोगों को बोल रहा था कि आपका सेक्रीफाइस, आपका जो ज़रूरत है, जो आपका जो सेवा करना है, जो अभी आप तो बोल रहा था देश हमें सब कुछ देता है, हम भी देना सीखे, वो हमें करना जरूरी है। आप देखिए, आप ग्राउंड टू अर्थ नेता है काफ़ी दिनों से, हम लोग भी जानते हैं, करीब 25-30 साल से आपको जानते हैं, तो कितना पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथनिंग करना है, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए मैन पावर चाहिए सर, वो तो है ही नहीं जी। हाँ। आप इधर का मैन पावर उधर करेंगे, उधर का मैन पावर इधर करेंगे, ये कैसे चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैन वो भी क्रिएट करेंगे हम लोग, लेकिन किसी किसी जगह में बता रहा हूँ आपको ना, डॉक्टर किसी किसी जगह में है तो उसको हमको थोड़ा एरिया वाइज देख करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट कराना है। किसी किसी जगह में बिल्कुल डॉक्टर नहीं है, आप एक एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जहाँ एक एक आपका सेम है कि डॉक्टर नहीं है, और किसी किसी जगह में डॉक्टर भरपूर पड़ा हुआ है, तो उसको मैं देख रहा हूँ, उसको निकाल के मैं हम उसको दूसरा जगह में जहाँ में कमी है उसमें देंगे। तो पहले अगर ये सब तो हम कर सकता था, लेकिन अभी हम करना चाहेंगे, इसीलिए मैं उनका जो डॉक्टर्स लोगों का, उनका मैं मदद मांग रहा हूँ कि आप लोग भी मुझे योगदान दीजिए, हम जब सेवा करने के लिए आए हैं तो सेवा करेंगे, वही मैं बोलने वाला हूँ। आप मुस्कुराते मुस्कुराते तो असेंबली का भी बात कर दिया कि कमियां है, तो आप फिर अभी बोल रहे हैं कि इधर से उधर करेगा, कैसे कमियां को कब फुलफिल करेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, कमियां भी फुलफिल करेंगे, जरूर फुलफिल करेंगे, उसका भी डॉक्टर का भी अभी एडमिशन निकल जाएगा, अभी देखते रहिए, आप थोड़ा समय दीजिए, अभी मेरा आया हुआ तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है ना, रोम वॉज नॉट बिल इन डे, वो आप जानिए, थोड़ा समय दो। अरुणाचल में मंत्री लोगों का क्या हुआ, जब सवाल पूछते तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, सभी तो नहीं बोला, सिंह साहब ने भी बताया आज। अच्छा, ऐसा है, मुझे मालूम नहीं, बोल रहा है सर, क्या बात है सर? नहीं, समय लगता है ना सब चीज़ में करने के लिए, तो समय का साथ साथ हो जाएगा सर। इस बार कमीशन में कुछ लगता है रिक्रूटमेंट हो रहा है ना, शायद से होने वाला है, अब मालूम हो जाएगा, हमसे ज़्यादा आपको पता है, आप लोग को मालूम हो जाएगा। तो अभी तक तो उनका बारे उन लोगों मेरे पास आया नहीं है, उनका कुछ हमने हमेशा सभी सबको बोला है, उनका तकलीफ है क्या पहले हमको बताइए, कर सकना नहीं कर सकना वो अलग बात है, लेकिन जब तकलीफ को मालूम होगा, चैलेंजेस को मालूम होगा, तब उसका ऊपर हम सोच सकते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं तो फिर हम जानेंगे कैसे। बहुत तकलीफ करते हैं सर आशा लोग, आपने जैसे हाँ, कहा वो सही है, उनको भी हमें देखना पड़ेगा। हाँ हाँ सही है, वो जिस तरह से उन्होंने बताया कि कोविड का समय में किस तरह सेवा किया उन्होंने, वो सही है, उन लोगों ने सेवा किया है, उसमें जो एक दर था आदमी का, वो दर को पार करते हुए उन्होंने, चैलेंज करते हुए उन्होंने उसमें पेशेंट का पास किया है, तो वो बहुत बड़ा बात है, उनका हम लोग कॉम्प्लीमेंट को शाबाशी देना चाहूँ। आज हम लोग सर माँ को याद कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग डे में, क्या मैसेज देंगे सर? मैं सभी को यही कहना चाहूँ कि आज का दिन में हम लोग अरुणाचल के लोग तो सभी ब्रेस्ट फीडिंग कराता ही है, बाकी लोग भी जहाँ मैं नहीं करता, मेरा ख्याल से वर्ल्ड में सभी लोग कराता ही होगा, बहुत कम लोग होता होगा जहाँ मैं नहीं करता होगा, सभी को मेरा तक यही है कि तंदुरुस्त रहे, ब्रेस्ट फीडिंग अपना बच्चा को कराए, तंदुरुस्त रखे अपना बच्चा को। सर जैसे कि आप हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, तो जो आशा के जो फंक्शनिंग होते हैं, कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में वो फंक्शन नहीं होता है, हाँ जी, तो उसको लेके आप किस तरह से देखिए? अभी तक मैं इसका रिपोर्ट मेरा पास नहीं आया है, कहाँ में क्या नहीं है, हम वही बता रहे हैं ना, जब तक हमको बताएंगे नहीं, रिकॉर्ड में जब तक नहीं आएंगे मैं उसको कुछ नहीं बोल पाऊंगा। कोई कोई रिपोर्ट में दिया जाता है कि फंक्शनिंग हो रहे है बच्चा को, जैसे कि आंगनबाड़ी हो गया वो सब चल रहा है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि रिपोर्ट में आता है कि वो फंक्शन नहीं होता है, तो आप इसको किस तरह से आप क्या ग्राउंड चेक? जरूर जरूर, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी 2 महीने ही हुआ है, मैं ग्राउंड जाकर मैं कुछ देख लूँगा कहाँ काम में क्या कमियाँ हैं, रिपोर्ट हम यहाँ बैठे बैठे भी, आजकल डिजिटल का ज़माना है, हम लोग पीएससी लेवल तक का भी, सीएससी लेवल तक भी हम लोग ले रहे हैं, सारा रिपोर्ट हम ले रहे हैं। तो अभी आपको बता दूं कि अभी मेडिसिन तो आप तो टेली मेडिसिन तो हो ही रहा है, मैंने असेंबली में बताया है कि आपका जो रेडियोलॉजिस्ट वगैरह का है उसका भी हम टेले कंसल्टेंट हम लोग करा रहे हैं अभी, तो जो भी सकेगा डिजिटली जो है आजकल का ज़माना का साथ में चलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे जरूर उसको। थैंक यू। स्पीडिंग वीक का यहाँ पे लॉन्चिंग सेरेमनी हुआ है, बेसिकली इस प्रोग्राम के जरिए से पूरे राज्य भर में हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि माँ का दूध जो है बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं 21वीं सदी के इस भीड़ भाड़ में कहीं ना कहीं आज हमें ये लग रहा है कि माताएं अपने बच्चों के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं, और जितना समय उनको ब्रेस्ट फीड
ब्रेस्ट फेड बच्चे को करना चाहिए, जो 21वीं सदी में कामकाजी महिलाएं शायद उतना समय नहीं दे पाती हैं, तो एक रिन्यूड कॉल है महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड करना है। डॉक्टर साहब, लगता है क्या अपना फिगर मेंटेन करने के लिए बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, आपको कैसा लगता है? ये कुछ हद तक अर्बन महिलाओं में शायद ये गलतफहमी है कि ब्रेस्ट फेड ज़्यादा करने से उनके फिगर्स में भी असर करता है। मैं क्योंकि एक सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं हूँ, एक डॉक्टर भी हूँ, तो मैं गारंटी के साथ उन जितने भी अर्बन महिलाएं हैं जो इस गलतफहमी के शिकार हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रेस्ट फेड बच्चे के लिए, ब्रेस्ट मिल्क जो है बच्चे के लिए जितना अच्छा है उतना ही माओं के लिए भी अच्छा है। तो ब्रेस्ट फीड जो है, आप किसी गलत फहमी का शिकार हो के बच्चे को कम समय तक दूध पिलाए ऐसा ना करें। बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध का ज़रूरत है, उसके बाद आप दूसरा फूड शुरू कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में वीनिंग कहते हैं। सर, जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ माओं का ब्रेस्ट मिल्क नहीं निकलता है, तो उसके लिए आप कुछ मैसेज दे पाए? देखिए, देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिंस ना, आप हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इंस्पाइट ऑफ बेस्ट मेडिकेशन, अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं निकलता है, देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, फिर आपको आर्टिफिशियल फीड में जाना ही पड़ेगा।